पापा आपके तो 5 भाई थे, आप 2 ही क्यों बचे? बाकी के 3 कहाँ गए? बेटा हमारे 3 भाई ना इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। Oh, no. तो पापा वो कैसे? बेटा 2020 में ना बहुत खतरनाक वायरस आया था जिससे पूरी दुनिया परेशान थी, सारे मुल्क परेशान थे, यहाँ तक कि हमारा मुल्क भी परेशान था। तो गवर्नमेंट ने ना लोगों को घरों में बिठाने का फैसला किया ताकि इस वायरस से महफूज रहें, क्योंकि ये वायरस ना एक दूसरे के छूने से फैल रहा था। तो फिर क्या हुआ भैया, आप ही बताइए। तो बेटे बाकी के जो हमारे 3 भाई थे उनकी भुन में था सुलेमानी कीड़ा, उनमें से जो तीसरे वाले थे हमारे उनको था फोटो खींचने का शौक। वो कहने लगे कि भाई मैं तो ना बैठ रहा घर को, मैं तो जाऊंगा बाहर। हम कहे कि मत जाओ बाहर को, वायरस बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन वो ना माने हमारी बात, निकल गए बाहर को। तो जब वो घूम रहे थे बाहर फ़ोटो खींचने के लिए तो थोड़ा सा कोरोना उनके अंदर घूम गया और फिर उनकी फ़ोटो छप गई मुर्दा खाने के अंदर। और दूसरे वाले का क्या हुआ? भाई ये दूसरे वाले को था हमारे सिगरेट का शौक। वो कहने लगे कि मेरा तो खाना ना उतर रहा जब तक कि मैं सिगरेट ना पी लूँ। हम बोले भैया मत जाओ बाहर को, लेकिन वो ना माने हमारी बात को, निकल पड़े बाहर को। तो ना तो उनको सिगरेट का जुगाड़ हुआ और ना ही उनका खाना उतरा। अलबत्ता 200-300 ग्राम कोरोना उतर गया उनके अंदर और वो भी निकल लिए। और तीसरे वाले का क्या हुआ? भतीजे तीसरे वाला जो था हमारा, उसको लग रहा था कि आज मुल्क की सबसे बड़ी हड़ताल है। वो सोचने लगा कि भाई छुट्टी मनाने के लिए मैं ससुराल ज़रूर जाऊंगा। हमने लाख समझाया उसको कि भाई एहतियात ज़रूरी है, लेकिन वो ना माना। हमसे तो वो गुस्से में मिलके गया नहीं, बाहर जो 2 भाई थे उनसे मिलके चला गया और साथ में छिटाक छिटाक या 100 ग्राम कोरोना भी साथ ले गया। खुद तो उस दिन वो निपटाई, ससुराल भी निपट गया। तो उस दौरान आप दोनों क्या कर रहे थे? बेटे मैं तो हुकूमत की बताई हुई एक एक बात पर अमल कर रहा था और जितने लोग मेरे से मुंसलिक थे उन सबको मैं कह रहा था कि भैया जितना हो सके एहतियात करो। और पापा आप क्या कर रहे थे? बेटा मैं बस यही घरों के मैं काम बताता हूँ। तुम्हारे पापा क्या कर रहे थे? तुम्हारी पिताई कब की? नवम्बर भैया, लॉकडाउन लगा मार्च में। अबे भैया यार नहीं यार, छोड़ो यार।